स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी आपको सीधे लिए चलेंगे जर्मनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। म्यूनिख में ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आज भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5,000 पेटेंट फाइल होते हैं। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। भारतीयों के संकल्पों की ये सिद्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा। साथियों, कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वह इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में, इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजेक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। इक्कीसवीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं वो किसी को भी हैरान कर सकती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए बनाए गए कोविन पोर्टल पर करीब 110 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कोरोना संक्रमण की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए एक विशेष ऐप आरोग्य सेतु से आज करीब 22 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। सरकार द्वारा खरीदारी करने के लिए बनाए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से करीब 50 लाख विक्रेता सेलर्स जुड़े हुए हैं।
आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। आज भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है वो अभूतपूर्व है। आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि अब देश के अनेक क्षेत्रों में ड्रोन से फर्टिलाइजर को छिड़काव होने लगा है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। उस मानसिकता से बाहर निकल चुका है दोस्तों। आज का भारत की पहचान है करना है, करना ही है और समय पर करना है। इस संकल्प के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। भारत अब तत्पर है, तैयार है, अधीर है। भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए। भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल्प के लेकर के सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अधीर है। भारत आज अपने सामर्थ्य में भरोसा करता है, अपने आप में भरोसा करता है। इसलिए आज हम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, मैं उदाहरण देता हूं आपको। भारत ने 2016 में तय किया था कि 2030 तक हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। अभी 2030 से हम 8 साल दूर है, लेकिन भारत ये लक्ष्य हासिल कर चुका है। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था। ये लक्ष्य भी देश ने डेडलाइन से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। भारत में कोविड वैक्सीनेशन के स्पीड और स्केल से भी आप भली भांति परिचित है। आज भारत में 90% एडल्ट्स को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 95% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कम से कम एक डोज ले चुके हैं। ये वही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि 1.25 अरब आबादी को वैक्सीन लगाने में 10-15 साल लग जाएंगे।
से बात कर रहा हूं तो भारत में वैक्सीन डोज का आंकड़ा 196 करोड़ यानी 1.96 बिलियन को पार कर चुका है। मेड इन इंडिया वैक्सीन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड़ों लोगों की कोरोना से जान बचाई है। साथियों, मुझे याद है कि साल 2015 में जब मैं जर्मनी आया था तो स्टार्टअप इंडिया अभियान एक आइडिया के स्तर पर था, शब्द कान पे पड़ते थे। तब स्टार्टअप बल में भारत का कोई नाम निशान नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक समय था जब भारत साधारण से साधारण स्मार्टफोन भी बाहर से मंगाता था, आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है और अब भारत में बने मोबाइल दुनिया भर में जा रहे हैं। सात आठ साल पहले जब मैं आप जैसे साथियों से चर्चा करता था तो हमारी बायोटेक इकोनॉमी 10 बिलियन डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज ये 8 गुना अधिक बढ़कर 80 बिलियन डॉलर यानी 6,00,000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। साथियों, मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी भारत के लोगों का हौसला ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।